हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी का वाकया, ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के शो में, और क्या अमेरिका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल ऐसे वाकयात रोक सकती है, इस पर हम बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के एक माहिर से। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। कराची में ट्रांसजेंडर अफराद की जिंदगी कैसी है? किसी फंक्शन में चले जाते, हमसे पूछते हैं यार तुम्हारे भी घर वाले होते हैं, तुम्हारे बहन भाई भी होते हैं, एक तंग से पूछते हैं तो हम इतना बुरा लगता है कि हम आसमान से टपके। ऑनलाइन शॉपिंग की मकबूलियत का मुकाबला बड़े बड़े स्टोर्स कैसे कर सकते हैं? दिस इज अ प्लेग्राउंड फॉर वुमेन। और मुलाकात पाकिस्तान के सकाफती विरसे को महफूज करने में कोशां एक आर्टिस्ट से। न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता रोज साइकिल सवारों पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े को 9/11 के बाद शहर में दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या करार दिया जा रहा है। 29 साला मुलज़िम सैफुल्ला साइपोव ने गुज़िश्ता रोज मैनहट्टन के मसरूफ इलाके में साइकिल सवारों पर पिकअप ट्रक चढ़ाकर 8 अफराद हलाक और कम अज़ कम 11 जख्मी कर दिए। हलाक होने वालों में से 5 का ताल्लुक अर्जेंटीना से था। पुलिस ने जब साइपोव के ट्रक को घेरे में लिया तो वो बाहर निकल आया, जिसके बाद उसे गोली मारकर जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़िम की शनाख्त बतौर उज़्बेक होने के बाद उज़्बेकिस्तान के सदर ने अमरीकी तफ्तीशकारों की हर मुमकिन मदद करने का ऐलान किया है। वाकई की तहकीकात से अब तक क्या सामने आया है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा टीना ट्रिन से। टीना, व्हाट डू वी नो फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन सो फार? So far, we're still in very early stages of the investigation. The suspect was checked into Bellevue Hospital last night, where he has recently come out of the surgery, and he is in stable condition at this point. Police will be questioning him. FBI is still, in very early stages of the investigation. They're most likely going to be looking into his links and ties in Paterson, New Jersey, where he most recently resided, and where he rented the truck that he used in the attack from nearby town Passaic, New Jersey. So we know right now that there are links to New Jersey. We're looking, FBI and NYPD are obviously going to be looking more closely into his activity online, any links to family and friends in the local area. All right, so abhi is waqt jo tahqiqat hai wo itne jo mulzim hai wo hospital mein hai lekin surgery se bahar aa chuka hai. FBI ke tafteeshkar usse baat kar rahe hain, aur New Jersey ka ilaka jo hai wahan pe wo aakhri rehaish uski wahan pe thi, to wahan pe uske doston aur rishtedaron se bhi tahqiqat is waqt ki ja rahi hai. Tina, we know that he left a note in the truck. What did that note say? We do not know yet at this point what the contents of the note are. It's still pending. The police, as far as I know, still have not officially named him, although other sources and outlets have stated his name. It's still not officially declared by officials here. Right now, I think they're just focused on still keeping the surrounding scenes protected and bypassing, having locals and people in New York City go around and directing traffic elsewhere. A lot of street closures right now. All right. So Tina का कहना है कि अभी तक जो मालूमात सामने आ रही हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही हैं। पुलिस और FBI के अहलकारों ने सरकारी सतह पर अभी स्टेटमेंट्स इस बारे में जारी नहीं की कि जो नोट कल उसके ट्रक से, साइपोव के ट्रक से मिला था, उस पर क्या लिखा हुआ था। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें यही कहा गया है कि उसने ISIS के नाम पर, दाइश के नाम पर ये हमला किया था। उसके अलावा दूसरी जिस चीज़ के बारे में अभी सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया वो ये है कि इसकी जो शनाख्त है, मुलज़िम की शनाख्त, उसके बारे में बहरहाल वो भी जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें उज़्बेक ही करार दिया गया है। जहां तक जो सीन है जहां पे ये वाकया कल हुआ था, वहां से पुलिस फिलहाल गाड़ियों को दूसरी जाने भेज रही है, वहां पे ट्रैफिक को अभी तक खोला नहीं गया। टीना, थैंक यू फॉर दिस अपडेट फ्रॉम न्यूयॉर्क।
इस वाकये के बाद अमरीका में मुकीम उज़्बेक कम्युनिटी भी गम गुस्से का इजहार कर रही है। वाशिंगटन से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है, जानने के लिए चलते हैं नीलोफर मुगल के पास जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नीलोफर, अमरीकी सदर ने ट्विटर का रुख किया इस वाकये के बाद, क्या कहना था उनका? जी सारा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े के बाद अपने ट्विटर पैगाम में मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि दुख की घड़ी में वो उनके साथ हैं और ये कि दाइश को मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को हुक्म दिया है कि वो पहले से मौजूद एक्सट्रीम वेटिंग का जो प्रोग्राम है, यानी सख्त जांच पड़ताल का जो अमल है, उसमें तेज़ी लाए। इस वाक़े के कुछ मुतासरीन भी सामने आ रहे हैं जिनमें पुलिस अहलकार और आम शहरी हैं। न्यूयॉर्क शहर के आम शहरी इस बारे में किस किस्म के रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इसे न्यूयॉर्क में 9/11 के बाद दहशतगर्दी का सबसे बदतरीन वाकया कहा जा रहा है। This was an act of terror. ये एक दहशतगर्द कार्रवाई है, खास तौर पर बुजदिलाना दहशतगर्द कार्रवाई जिसका निशाना मासूम शहरी थे। कुछ ऐनी शाहिदीन के लिए ये वाकया यूरोप भर में होने वाले हलाकत खेज हमलों की याद थी। जब ये वाकयात कहीं और हों तो हमें उनकी शिद्दत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब ये आपके करीब हों तो जाहिर है ये इंतहाई दहशतनाक और तकलीफ देह है और आप नहीं चाहते कि ऐसा किसी के भी साथ हो। कुछ लोग अभी तक बेयकीनी की कैफियत में हैं। कॉलेज के तालिब इल्म जैक सॉन्डर्स खुद को खुशनसीब समझते हैं। अगर मेरी ट्रेन ना छूटती तो मैं ठीक इसी जगह होता जहां ये वाकया हुआ है, क्योंकि ऐन वो जगह ही मेरी मंजिल थी। ये वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया जब अमरीकी वालदैन अपने बच्चों को हेलोवीन का सालाना त्यौहार मनाने के लिए हमसाया घरों से कैंडीज इकट्ठी करने के लिए तैयार कर रहे थे। बच्चे ट्रिक और ट्रीटिंग में मसरूफ है और बम सूंघने वाले कुत्ते भी बिल्डिंग में है, बच्चों के लिए एक मामूल बन चुका है। लेकिन शहर भर में वालदैन का अज़्म था कि ये वाकया बच्चों के साथ उनकी शाम की तकरीबात में रुकावट नहीं बनेगा। जिन बुजदिलों ने भी ये काम किया है वो हमारी जिंदगियों को रोक नहीं सकते, हम उन्हें अपनी जिंदगियों पर गालिब आने की इजाज़त नहीं दे सकते। और न्यूयॉर्क शहर के वासियों का दहशतगर्दी के खिलाफ ये अज़्म चंद ही घंटे बाद शाम के वक्त होने वाली हेलोवीन परेड में वाजे था। हम इस सूरत हाल से गुजर चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाला हमला, हम इस सब का इतना ज्यादा सामना कर चुके हैं कि इसके आदि हो गए हैं और अब हम बिल्कुल खौफजदा नहीं हैं, वो हमें रोक नहीं सकते। और अमेरिका में मुसलमानों की तंजीम के सेंटर ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने कहा है कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो उनकी मजम्मत करते हैं और इस तरह के वाकयात मुल्क को तकसीम करते हैं और मुल्क में मौजूद तमाम मजाहिब और अकीदे के लोगों को चाहिए कि वो मुत्तहिद हों और दहशत गर्दों को नाकाम बनाएं। जी सारा, नीलोफर हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से, थैंक यू नीलोफर। और सदर ट्रंप ने अमेरिका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल की बात तो की, लेकिन ये प्रोग्राम दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह मौसर साबित होगा, ये और कुछ और सवाल हम रखेंगे सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर के माहिर डॉक्टर मैक्स एब्रम्स के सामने। डॉक्टर एब्रम, वेलकम टू व्यू 360। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टैक्टिक दैट वी सॉ, रैमिंग व्हीकल्स इनटू पेडेस्ट्रियंस। दिस लुक्स लाइक द टैक्टिक ऑफ चॉइस दीस डेज, व्हाई? या इट्स इंक्रीसिंगली अ कॉमन टैक्टिक। I believe this is the 11th vehicular attack this year, the 14th over the past, something like the 11th over the past since 2014. So there's no question, there's an upward trajectory in the use of this this weapon. I mean, people often overestimate how innovative terrorists are in terms of their tactical choices, but really terrorists tend to follow other terrorists in terms of trying to be copycats and replicating what works, whether we're talking about in Barcelona or in France. We even saw an attack like this in Virginia. And it makes perfect sense, particularly for attackers who don't really care who they're harming. So it's easy access to get one of these weapons. You just need a car. It doesn't alert authorities. It's not like trying to purchase, bomb components. And then you just drive it into a soft target. And this is exactly what Islamic State has been advocating. सो दाइश जो है वो इसी तरह के हमलों की हिमायत भी करती आ रही है। मैक्स एब्रम्स ने ये कहा कि दहशतगर्दों के बारे में आमतौर पर ये नहीं सोचा जाता कि वो कितने इनोवेटिव हैं, कितना सीखते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे के टैक्टिक्स को कॉपी करते हैं। ट्रक्स को या गाड़ियों को पेडेस्ट्रियंस में, यानी राहगीरों से टकराने के जो वाकयात हैं, ये 11वां वाकया है 2014 के बाद। वजह यह है कि ट्रक हासिल करना या गाड़ी हासिल करना बहुत आसान है, कोई हथियार बनाना नहीं पड़ता, तो इसका इस्तेमाल भी आसान है और यही वो टैक्टिक है, ये वो तरीका है जो दाइश भी जिसको प्रमोट कर रही है।
रही है. हाउ डज दिस कॉम्प्लिकेट द जॉब ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज व्हेन यू हैव ए वेपन दैट डज नॉट हैव टू गो थ्रू एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिटेक्शन? Sure. I like to think of the Islamic State threat as really two different threats. You have the organization based in Iraq and in Syria, and we've done a really good job of crushing the organization. But then you have the more sort of international, Islamic State inspired terrorists, and that appears to be what we're looking at in New York. And we just don't have an answer for them, almost regardless of what their tactics are. But it's particularly difficult when they use a car, because cars do not attract the attention of authorities. They create a huge amount of damage. Actually, we're quite lucky that this attack in New York only killed 8 people. Remember, the one in France, in Nice, France, mm-hmm. on Bastille Day, that killed scores of people. So right. It's a highly lethal weapon for mm-hmm. which we don't have an answer. سو میکس ایبرمز کہتے ہیں کہ آئسس کا جو مسئلہ ہے اس کے دو رخ ہیں. ایک تو وہ جو مشرق وسطی میں ہے اور اس کو کرش کرنے کی, اس کو تباہ کرنے کی جو کوشش ہے, جو عسکری کوشش ہے, وہ بہت حد تک کامیاب رہی ہے. لیکن دوسرا اس کا آئسس کا انٹرنیشنل اسپیکٹ ہے اور اس کو ہینڈل کرنا بہت پیچیدہ ہے. اس کی وجہ سے ہی ایسے اٹیک سامنے آ رہے ہیں اور گاڑیاں یا دوسرے جو اس طرح کے ویپنز ہیں جیسے ٹرک ہو گئے, ان کو روکنا بہت مشکل کام ہے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی, کیونکہ یہ عام طور پہ سیکیورٹی کے اسکینرز وغیرہ سے ان کو نہیں گزارا جاتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ خوش قسمتی ہے نیو یارک کے شہریوں کی کہ اس بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں نہیں ہوئیں جس طرح ہم نے فرانس کے شہر نیس میں دیکھی. I want to talk to you about the extreme vetting program that President Trump tweeted about yesterday. He said that he wants to bring this program, but there was no clarity on exactly what it is. His chief of staff, General Kelly, said in an interview recently with Fox News that extreme vetting is that we simply interview people and have to satisfy ourselves that the person we are talking to is indeed the person who they claim. And then he added that it might be impossible to do in some cases. Now, the suspect in this case had been in the U.S. since 2010. So how will this extreme vetting program work? I think that the idea of extreme vetting is attractive at first, until you realize how difficult it be to implement in a way that isn't discriminatory and in a way that's effective. Most Americans are deeply skeptical, thinking that extreme vetting is really just an expression of anti-Muslim Islamophobia and is not really aiding in our security. And then furthermore, a lot of criticism centered around the fact that it's not clear which countries to include in the list. They really seem quite arbitrary. And the Trump administration has done a very bad job of explaining why certain countries get priority over others. So, okay. For example, this attacker was from Uzbekistan, but Uzbekistan was not on the list. Exactly. So I'm going to just let our viewers know at this point, since we're running out of time, I would really like to thank Dr. Max Abrams for joining us and for his insight. سو یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ میکس ایبرمز کا یہی کہنا تھا کہ جو ایکسٹریم ویٹنگ کا یعنی سخت جانچ پڑتال کا پروگرام ہے وہ بہت ہی پیچیدہ پروگرام ہے. سننے میں تو اچھا لگتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اپلائی کرنے میں یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ تعصبانہ نہ لگے اور مسلمانوں کے مخالف نہ لگے, یہ ایک بہت مشکل کام ہے. انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بھی ڈٹرمن کرنا مشکل ہے کہ کن ملکوں کے سے آنے والوں پر پابندی عائد کی جائے, کیونکہ سفری پابندیوں کا جو حکم نامہ ہے اس میں ازبکستان شامل نہیں تھا اور وہیں سے اس ملزم کا تعلق ہے. تو اس معاملے کی اپڈیٹس آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. نیو یارک میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات جاری ہیں. اپڈیٹس آج کے دن میں جو آئیں گی وہ آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پر آپ جب چاہیں دنیا بھر سے خبروں, ویڈیوز اور فیچر رپورٹس کے لیے بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. اور آج کے شو میں ہمارا ہفتہ وار ٹیک سیگمنٹ بھی شامل ہے, اور پاکستان کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے والے ایک آرٹسٹ سے بھی آپ کو ملوائیں گے. اس وقت دیکھتے ہیں دنیا کے کچھ اور حصوں سے ملنے والی اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. ہائی کورٹ نے کیٹالونیا کے برطرف کیے جانے والے علیحدگی پسند رہنما کارلس پوجیمون کو جمعرات کو عدالت میں طلب کر لیا ہے. کارلس پر بغاوت کے الزامات میں مقدمات چلائے جائیں گے. کارلس ان دنوں برسلز میں موجود ہیں. اسے آزاد کرا لیے گئے شامی شہر رقہ میں واپسی کے منتظر شہریوں کو اتحادی فوج نے واپس آنے سے روک دیا ہے. امریکہ کی اتحادی فوج کے مطابق انتہا پسند اپنے پیچھے اس شہر میں جگہ جگہ بارودی سرنگوں کا جال بچھا گئے ہیں.
श्रीलंका में महकमे जंगलात के अहलकारों ने 3 घंटे की कोशिश के बाद एक कुएं में गिर जाने वाले हाथी को बाहर निकाल लिया। हाथी को बाहर निकालने के लिए कुएं की दीवार को काटकर इसके बाहर आने के लिए रास्ता बनाया गया, जबकि हाथी को जंगल का रास्ता दिखाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया गया। दुनिया भर में कल हैलोवीन का त्यौहार मनाया गया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस मौके पर सुपरमैन का रूप धार कर अपने मदाहों को हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बच्चों के साथ मोहल्ले में जाकर टॉफियां भी इकट्ठी की। अमेरिका की एक अदालत ने फौज में ट्रांसजेंडर अफराद की भर्ती पर पाबंदी के सदारती हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया है। ट्रांसजेंडर अफराद को फौज में खिदमात अदा करने की इजाजत ओबामा दौर में मिली थी और ऐसे लोगों के लिए जिंस की तब्दीली के ऑपरेशन के अखराजात उठाना भी फौज की जिम्मेदारी करार दिया गया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौकफ है कि ट्रांसजेंडर अफराद को भर्ती करने से फौज पर बहुत बड़ा माली बोझ पड़ता है और उसकी सरगर्मियों में खलल आता है। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ ट्रांसजेंडर अफराद अपने हकूक के लिए हमेशा से ही जिद्दोजहद कर रहे हैं। कराची में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद और ज्यादती की शिकायत आम है। ड्रामों में तो आप इनकी जिंदगी देखते हैं, असल में कैसी है आज वो भी देखिए। मजाक उड़ाते हैं लोग, बस एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं। पर यहाँ के जो लोग हैं दुश्मन हैं, मेरे बाल काट देते लड़कों ने, बहुत की और बहुत मेरे घर में आके पिस्टल विस्टल भी लेके आते हैं। कल परस रात भी लड़के, दो लड़के आए थे, पर जब बाहर निकलते तो बस अपने आप पे रोना आता है और कुछ नहीं कि हम क्या हैं। हमारी भी कोई पहचान होनी चाहिए, हमारी भी माशरे में इज्जत होनी चाहिए। अपने बुनियादी हकूक से महरूम लेकिन दूसरों की खुशी में इजाफे का सामान फराहम करने को हर दम तैयार। लोग इन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं और इन्हें बज़ाहिर इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये एक घर का अंदरूनी मंजर है। मिलजुल कर रहना, गपशप करना, लूडो खेलना बज़ाहिर इस घर के मकीनों की जिंदगी दूसरों जैसी ही है। ये घर सपना का है। इसके साथ इस जैसे दूसरे ख्वाजा सरा भी रहते हैं। सपना को खाना बनाने का शौक है। किसी फंक्शन में चले जाते, हमसे पूछते हैं यार तुम्हारे भी घर वाले होते हैं, तुम्हारे बहन भाई भी होते हैं, एक तंग से पूछते हैं तो हम इतना बुरा लगता है कि हम आसमान से टपके। हमारे भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सब कुछ है, उसी दुनिया का हिस्सा है हम लोग भी। सनम बनाव सिंगार करने के बाद घर से जो काम करने निकलती है उसे भीख मांगना कहते हैं। वो सवाल करती है कि क्या कोई कभी शौक से भी किसी के आगे हाथ फैलाता है? जहाँ भी अप्लाई किया वो उन्होंने यही किया कि नहीं माशाल्लाह ये है वो का निशाना बनाने की कोशिश की, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सुबह सिंध में ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम जेंडर इंटरक्टिव अलायंस की सदर बिंदिया राना को ख्वाजा सरा अपना गुरु मानते हैं। वो कहती हैं कि ख्वाजा सिरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पुरअमन लोग हैं। जेल में जाके चेक कर ले पूरे पाकिस्तान को, मैं चैलेंज करती हूँ। अगर 100 केसेस में अगर इक्का दुक्का कोई जेल में अगर ख्वाजा सिरा नजर आ जाए फिर तो हम अमन पसंद है ना, है ना। हमारे लोग क्या करते हैं, हाँ, बिन बुलाए लोगों में खुशियों में शरीक होते हैं, बजाय कि वो चोरी करे, डकैती करे, अगवाई बराए तावान करे, मुल्क की दौलत लूटने में तो नहीं है ना। बिंदिया राना का कहना है कि ख्वाजा सिराओं को बराबरी के हकूक दिलवाने के लिए किसी जामे मंसूबे की जरूरत है जो मुमकिन है कि उन्हें बावकार जिंदगी गुजारने के काबिल बना सके। ऑनलाइन शॉपिंग अब पाकिस्तान में भी आम हो चुकी है, लेकिन जब इंटरनेट से खरीदारी मुमकिन है तो फिर बड़े बड़े स्टोर्स मुनाफा बख्श कैसे रह सकेंगे? न्यूयॉर्क में टेक इंडस्ट्री की एक नुमाइश में इसी सवाल का जवाब पेश किया गया, आइए देखते हैं। आज के दौर में जब खरीदारी कंप्यूटर या फोन पर हाथ की एक जुम्बिश से आसानी हो सकती है तो ईंट और सीमेंट की इमारतों में कायम स्टोर्स के मालिकान ये सोच रहे हैं कि अब उनका क्या बनेगा। ताहम इंडस्ट्री के तजियाकार फिलहाल रवायती स्टोर्स का मुस्तकबिल खत्म होते नहीं देख रहे। मैं असल स्टोर्स में यकीन रखता हूं और अगर आप खरीदो फरोख्त के हजम पर नजर डालें तो पता चलता है कि ज्यादातर खरीदो फरोख्त हकीकी दुनिया में हो रही है। मास्टर कार्ड और मारी क्लेयर नामी जरीदे ने मिलकर नेक्स्ट बिग थिंग के नाम से न्यूयॉर्क में एक पॉपअप स्टोर खोला है जो ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलतें स्टोर के अंदर मुहैया करता है। विंडो शॉपिंग का इस्तेमाल यहाँ इसके हकीकी मफहूम के मुताबिक होता है, जिसमें एक टच स्क्रीन की मदद से ग्राहक किसी भी वक्त शॉपिंग कर सकते हैं। स्टोर के फिटिंग रूम्स के आइनों पर लगाई गई टच स्क्रीन्स चेकआउट और बिल की अदायगी की सहूलत देती हैं।
ہماری توجہ تناؤ کی وجہ بننے والے ایک انتہائی اہم مسئلے کے حل پر مرکوز ہے اور وہ یہ کہ اس وقفے میں کیسے کمی لائی جائے جس دوران گاہک کو بل ادائیگی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ٹیکنالوجی حقیقی سٹورز کو مدد دے رہی ہے کہ گاہکوں کے ہر پل بدلتے رجحانات پر تیزی سے توجہ دی جا سکے۔ آن لائن دنیا میں جہاں مختلف کاروباروں کے ویب پیجز کو دیکھنے والے صارفین کی تعداد کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، ہم مصنوعات کے بارے میں رجحانات کا اندازہ لگا کر اس بارے میں اعداد و شمار موقع پر فراہم کر سکتے ہیں۔ بیٹا نامی کمپنی کیمروں اور ٹیبلٹس کے استعمال سے گزرنے والے قدموں کی گنتی کر کے معلومات مہیا کرتی ہے، جس سے دکاندار کسٹمرز کے لیے نمائش کی جانے والی معلومات فوری طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ حقیقی سٹورز مصنوعات کے بارے میں آگاہی کے لیے شاید سب سے بہتر جگہ ہیں۔ مستقبل اسی امر سے وابستہ ہے کہ شاپنگ کی سہولت مہیا کرنے کے علاوہ ان جگہوں اور خدمات کو کیسے منافع بخش بنایا جائے جو آپ گاہکوں کو دے رہے ہیں۔ اکیلے پن کا شکار نہ ہونے دینا شاپنگ کا معاشرتی پہلو ہے۔ This is a playground for women. یہ خواتین کے لیے کھیل کا میدان ہے۔ اس سے واقعی بہت سی دلچسپ خواتین ایک جگہ اکٹھی ہو پاتی ہیں تاکہ وہ مل کر تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دکانداری کا نیا سنگ میل ڈیجیٹل اور حقیقی اوصاف کے ملاپ میں ہے۔ ٹینا ٹرین کے ساتھ امان اظہر، اردو وی او اے۔ اور لاہور ان دنوں سموگ یعنی آلودگی کے باعث بننے والی دھند کی لپیٹ میں ہے۔ ایسے میں نظر تو بعض اوقات مشکل سے آتا ہے، بہت سے لوگوں کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یورپی ملک جارجیا کی ایک کمپنی نے ایسا ایئر فلٹر بنایا ہے جسے چہرے پر پہنا جا سکتا ہے۔ اسے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ہوا کو اسی طرح صاف کرتا ہے جیسے درخت کرتے ہیں۔ طبی ماہرین بھی اسے ایک اچھا آئیڈیا قرار دے رہے ہیں، اور ویسے یہ شاید نوائز پولیوشن بھی تھوڑی کم کر دے کیونکہ اسے پہن کر بولا نہیں جا سکتا۔ اور آخر میں کچھ بات ہو جائے لاہور کے ثقافتی ورثے کی بھی، جو تاریخ، تہذیب اور روایات کا ترجمان ہے، لیکن جن عمارتوں سے کبھی شان و شوکت جھلکتی تھی ان میں سے اب بیشتر اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ تو لاہور کے ایک سرامک آرٹسٹ اس ورثے کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام جمیل حسین ہے، بیسیکلی آئی ایم گرافک ڈیزائنر، بٹ دا سرامکس از مائی پیشن اینڈ از مائی ہابی۔ میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے، اولڈ کیمپس سے ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا، تو ہمارے جہاں ہم چائے پیتے تھے وہی جو روکے جہاں پہ بیٹھتے تھے تو ہمارے سامنے ڈسٹروائے ہو رہے تھے۔ ہم تو الیسٹریٹ کرتے تھے نا کہ ہم سائے بیٹھے باتیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ ختم ہو رہے تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھاٹ کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میری انسپریشن شالامار سے ہے، میری انسپریشن لاہور فورٹ سے ہے، لاہور وال سٹی سے ہے، امن آباد سے ہے، گجرانوالا سے ہے، قصور سے ہے۔ ایسٹرن ایلیمنٹس ہیں، آرچز، جھروکے، بالکنیز، برامدے، کھڑکیاں، دروازے، لیکن میں اپنی پرسیپشن سے اس کو وہ کرتا ہوں۔ پہلے اس کو اس کی اسٹرکچرنگ کرتا ہوں، آپ کو ایون کلرز کرنا ہے، کہاں پہ کلر چھوڑنا ہے، کہاں سے کلر اٹھانا ہے، آپ کو کہاں اسپونچنگ کرنی ہے، کیونکہ کلر میں جا کے جب آپ وہ پھر برن ہو کے وہ اپنا ایک ڈفرینٹ افیکٹ دیتے ہیں۔ اسٹارٹ میں نے 3D اسکلپچر سے کیا تھا، لیکن اب میں دونوں میں کرتا ہوں، ایک ڈیکوریٹو پرپز سے بھی اور ایک جو میری اپنی فیلنگز ہیں جس جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ میں 6 ایگزیبیشن کر کے آیا ہوں اسلام آباد، کراچی میں، فرسٹ میری تھی لاہور میں 2009 میں۔ اسی کا آبجیکٹیو کبھی بھی سیل نہیں رہا، میرا آبجیکٹیو ٹو کریٹ اویئرنیس تھا۔ میں اور اس کی میں 300 کے قریب بنا چکا ہوں اب تک، اور اب میرے پاس میرا خیال ہے کہ یہ 40-45 کے قریب پیس ہوں۔ بلڈنگس کو میں لیونگ لیٹرز بھی کہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی اپنی ڈیٹ آف برتھ رکھتی ہیں، ڈیٹ آف ڈیتھ رکھتی ہیں، یہ فیسنیٹ کرتی ہیں، یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ ان بلڈنگس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، جب میں اپسیٹ ہوتا ہوں یا جب میں بور ہوتا ہوں تو میں ان کو وزٹ کرتا ہوں، اور آئی انجوائے اٹ لاٹ، میں ان کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں، تو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیٹ مونومنٹ۔ تو میں اپنے دوست کے لیے ہی کر سکتا تھا، تو دس از مائی ایفرٹ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu، اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔